गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, सड़कों में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। मैं आपको चेतावनी देके जा रहा हूँ, अगर सड़क गड़बड़ बनेगी तो बताना मुझे और सबको यहाँ पे, ठीक है। गुणवत्ता से कोई समझौता किसी तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा और सभी सड़कें बनाई जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक तरफ योगी के मंत्री जितिन प्रसाद हैं, जो मंच से ही अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यूपी की ये खराब सड़कें, अब क्या ही कहा जाए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद संभल में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने मंच से ही कुछ ऐसा कहा जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मंत्री जी ने मंच से अधिकारियों को हड़का दिया। लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस बात की चेतावनी सभी लोगों को देकर जा रहा हूं। आप लोग सुन लीजिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, सड़कों में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। मैं आपको चेतावनी देकर जा रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? अगर सड़क गड़बड़ बनेगी तो बताना मुझे और इन सबको यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और गुणवत्ता से कोई समझौता किसी तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा और सभी सड़कें बनाई जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दरअसल कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद संभल फतेहपुर शरीफ नगर गांव में पहुंचे थे और कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद थे। मंच से ही मंत्री जी ने कह दिया कि सभी लोग सुन लें, सड़कों में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी सड़क गड़बड़ बने तो मुझे बताइए, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अब मंत्री जी ने तो कह दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसका कितना पालन करते हैं ये तो यूपी की सड़कों का हाल देखकर ही पता चलता है। और अब मंत्री जी की ये चेतावनी आगे कितना काम आएगी ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वहीं आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।